जो है वो आपेक्षिक उच्चावच के लिए एक नवीन विधि को बताया हूँ, जिसे मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है, ये प्रैक्टिस का चीज है। अगर आप जान जाएंगे तो आपके लिए बताना एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक टोपोशीट लेना पड़ेगा। वो टोपोशीट देखिए, इस तरह का टोपोशीट आपको कॉलेज में कलर मिलेगा। कलर मिलेगा उस टोपोशीट का, किसी भी एरिया को आप लीजिए, एरिया कोई भी एरिया ले लेंगे वो, ये स्टेप वन है। इस तरह कोई भी एरिया आप ले लीजिए, इस तरह कोई भी एरिया आप ले लीजिए स्टेप फर्स्ट में। उस एरिया पर आप 5 डिग्री, अच्छा 5 डिग्री देशांतर का रेखा खींच दीजिए। जैसे मैंने ये इस एरिया को लिया, इस एरिया पर 5 5 डिग्री का मैंने ग्रिड को बना लिया, अच्छा सा देशांतर रेखा को बना लिया। जब आप बनाएंगे, ये आपका स्टेप वन है। जब आप किसी भी एरिया को, टोपोशीट के किसी भी एरिया को जब आप लेते हैं और जब उसमें आप 5 डिग्री, अच्छा 5 डिग्री देशांतर आप खींच देते हैं, तो ये आपका स्टेप टू हो जाता है। ये दोनों विधि तो आसान विधि है, स्टेप टू। अब तीसरा विधि जो है, आपको ये जो पहला स्क्वायर है या 1 से लेकर 25 तक जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर में जो है आपको जो हाईएस्ट मान का कंट्रोल लाइन है और जब से जो लोएस्ट मान का कंट्रोल लाइन है, वो दोनों को माइनस कर देना है। वो दोनों को जब माइनस करेंगे तो आप जितना ग्रिड आप इसमें बनाए हैं, इतना ही ग्रिड आपको तीसरे स्टेप में बनाना होगा। उतना ग्रिड को बना लिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए 1 से लेकर 25 तक ग्रिड है, यहाँ भी 1 से लेकर 25 तक ग्रिड है, मैंने बना लिया। अब ये जो पहला जो ये 4 जो स्क्वायर है, स्क्वायर में ये है, इसमें आप देख लीजिए ये कंट्रोल रेखा जो है, वो कंट्रोल रेखा कौन हाईएस्ट नंबर का है, कौन लोएस्ट नंबर का है। अगर हाईएस्ट जो नंबर है और जो लोएस्ट नंबर है उसको आप माइनस कर दीजिए। माइनस कर करके यहाँ लीजिए, यहाँ 500 का कंट्रोल रेखा है हाईएस्ट, और लोएस्ट है आपको 400 मान का कंट्रोल रेखा। जब इसे आप 500 में 400 माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 100 बचेगा। फिर सेकेंड घर में भी आप इसी तरह है, ये देखिए 400 मान का कंट्रोल रेखा है, और फिर ये है 100 मान का कंट्रोल रेखा। ये देखिए आप 200 मान का कंट्रोल रेखा भी कोने में टच किया है, यानी कि 400 में 200 माइनस करना है, यहाँ मेरा 200 हो गया। फिर यहाँ थर्ड देख लीजिए, यहाँ फिर देखिए यहाँ आपका कंट्रोल रेखा 100 का कोने में टच किया है। फिर ये देखिए 200 का है, ये 500 का है, 100 और 500 का डिफरेंस हो गया 400। फिर देखिए ये देखिए, यहाँ भी देखिए आपको 500 का कंट्रोल रेखा है, और सबसे कम ये है 400 का कंट्रोल रेखा, और ये है आपका 300 का कंट्रोल रेखा। 300 और 500 का माइनस जब होगा, ये हो जाएगा 200। इस तरह आप सारा का जितना भी है आप उसको भर लीजिए। यहाँ जो है आप देखेंगे, यहाँ 400 का है, यहाँ पर है 300, ये हो जाएगा 100, ये 400, ये भी 400, ये 200, 200, 200, 300, 200, 200, 100, 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 200, 100। ये आपका स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप थर्ड। ये पहला, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पहला स्टेप है। आप किसी भी टोपोशीट का जो है एक भाग ले लीजिए और उस एक भाग को आप 5 डिग्री इंटरवल पर आप बांट दीजिए। सेकेंड स्टेप में वो जब बांट देंगे, और किसी भी टोपोशीट स्मिथ मेथड को शो करने के लिए कंट्रोल लाइन को ही सिर्फ लेना है और आपको रिजल्ट को नहीं लेना,
कंट्रोल लाइन से ही आप स्लोप को दिखला सकते हैं, किसी भी स्थलाकृति के ऊंचाई और निचाई को या ढाल को आप बदला सकते हैं। तो आराम से आप जो है इसको पांच पांच डिग्री के ग्रिड में आप बांट दीजिए अक्षांश दशांतर में, और जो हाईएस्ट मान का रेखा है, मान का कंट्रोल लाइन है, जो लोएस्ट मान का कंट्रोल लाइन है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए। जितना बॉक्स आप यहाँ बनाए हैं उतना ही बॉक्स आपको यहाँ भी बनाना होगा, सेम प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, उसके बाद थर्ड स्टेप के बाद आपको एक इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स एक आप बना दीजिए, इंडेक्स, इंडेक्स में कम से कम आपको चार सेड शो करना होगा, चार सेड को आपको दिखाना होगा। चार सेट मैंने लिया है, उसमें पहला सेट जो है जीरो से लेकर के आप हंड्रेड ले लीजिए, हंड्रेड से टू हंड्रेड, टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड, एवं थ्री हंड्रेड। अब देखिए जीरो से हंड्रेड तक का आपको इसमें जो है आपको कंट्रोल लाइन खींचना है। जब जीरो से वन का कंट्रोल लाइन खींचेंगे तो आपको जो है देखिए जहां जहां से 100 मान का रेखा है वहां आसपास से 100 का कंट्रोल लाइन गुजरेगा। जैसे यहां देखिए 100 है, यहां पर आराम से 100 का बन गया, मेरा कंट्रोल लाइन बन गया। फिर देखिए आपका यहां 100 है, यहां भी 100 का आराम से बन गया 100। फिर देखिए 100 का देखिए यहां है आपका 100, यहां 100 है, यहाँ 100 है, फिर यहाँ 100 है, यहाँ देखिए 100 का आराम से बन गया, 100 का 100 मान का रेखा। अब देखिए दूसरा है आपका, अब 100 मान का रेखा और कहीं से हम नहीं गुजार सकते हैं, यहाँ 200 है, 200, 300 है, और इस लाइन को गुजारने के लिए आपको देखना होगा कि दोनों के बीच का जो है उसमें 100 है कि नहीं है। देखिए जैसे यहाँ 100 गुजरा है इस बॉक्स में, ऑटोमेटिक है इस बॉक्स में 100 होगा, इस बॉक्स में 100 होगा, यहाँ 200 है, ऑटोमेटिक है होगा, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। फिर देखिए आप 200 का, 200 का देखिए यहाँ आपका 200 है, इसको आराम से आप 200 का यहाँ से गुजार दीजिए, ये 200 का हो गया। फिर देखिए 200 और कहाँ कहाँ से गुजरेगा, देखिए 200 यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा 200, 200 यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा 200, यहाँ से गुजरेगा 200। फिर यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ 100-300 के बीच कहीं ना कहीं 200 है, फिर 200 यहाँ से गुजर जाएगा। ये हो गया 200 का मान का रेखा, ये हो गया आपका 200। फिर देखिए 200 आपका यहाँ भी है 200, तो 200 यहाँ से आप गुजार सकते हैं 200 को, 200 ये रेखा हो गया 200, ये 200 है, और 200 से अब और कहीं नहीं गुजरेगा। फिर देखिए आपका 300 है, 300 का रेखा देखिए कहाँ से गुजरेगा, जहाँ 200-400 के बीच में कहीं ना कहीं 300 होगा, 300। अब यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए आपको 300, यहाँ पर 300 होगा, ये दोनों के बीच 300 होगा। फिर देखिए आप ये दोनों के बीच, इधर हम नहीं घुसा सकते हैं क्योंकि आप 400-400 है, फिर यहाँ देखिए 400-300 के बीच कहीं ना कहीं 300 होगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ 300 है, ये आराम से 300 का रेखा यहाँ पर शो हो गया, ये हो गया आपका 300, ये भी हो गया आपका 300। अब देखिए जो बचा ये एवं 300, इसको जो है आपको अलग अलग सेटिंग कर दीजिए। जो सबसे हाईएस्ट मान का कंट्रोल लाइन के लिए सबसे घना सेटिंग कीजिए, जो घना सेटिंग है वो हाईएस्ट मान को शो करेगा, घना सेटिंग कीजिए उसको। उसके इससे कम घना होगा आपको, जैसे जैसे संख्या का मात्रा कम होगा वैसे वैसे शेडिंग का मात्रा भी कम होगा, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। ये अधिक घना है, ये देखिए कम घना है, ये शेडिंग मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमको ट्रेसिंग पेपर लेना है। ट्रेसिंग पेपर आपका जो है इस तरह का मार्केट में मिलेगा, ट्रेसिंग पेपर आपके पास, मैं एक बार दिखा दूं ट्रेसिंग पेपर को,
देखिए इस तरह का ट्रेसिंग पेपर आपको मार्केट में आराम से मिलेगा, इस तरह का ट्रेसिंग पेपर, इस ट्रेसिंग पेपर को, इस तरह का ट्रेसिंग पेपर, इस तरह का ट्रेसिंग पेपर आराम से मार्केट में मिलेगा। जब इस तरह के ट्रेसिंग पेपर को आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है ट्रेसिंग पेपर को, ट्रेसिंग पेपर को इस जगह पर रखना है और उस ट्रेसिंग पेपर पर जो है प्रिंट कर लेना है। जब आप प्रिंट कर लेंगे ट्रेसिंग पेपर को, तो फिर ट्रेसिंग पेपर को आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, यहाँ उस ट्रेसिंग पेपर को आपको यहाँ पे रखना है। जब आप रखेंगे तो इस बॉक्स का आकार जो है, जितना भी कंट्रोल लाइन आपने खींचा है वो सारा कंट्रोल लाइन इस पे आ जाएगा, सारा कंट्रोल लाइन इस पे आ जाएगा। इस तरह आपका है, ये मेरा हो जाएगा स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ, ये स्टेप वन हो गया, स्टेप टू हो गया, स्टेप थ्री हो गया, स्टेप फोर हो गया। अब आप देखिए ये जीरो से हंड्रेड, हंड्रेड का कहाँ का कंट्रोल लाइन है, यहाँ है हंड्रेड का, यहाँ है हंड्रेड का और ये है हंड्रेड का, ये जहां जगह पर है वहां पर ये सेटिंग हमको कर देना है। इस तरह सेटिंग में थोड़ा गैपिंग है, हमको भी गैपिंग करके सेटिंग को दे देना है, अधिक गैपिंग है इसमें। ये सारा चीज आपको सेटिंग भी करना है, वो आपको सेटिस्फाई से करना है, फ्री हैंड आपको नहीं करना है सेटिंग। फ्री हैंड आप सेटिंग करेंगे तो आपका डायग्राम देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस लाइन और इस लाइन के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो सेम होगा, वो सेम आप सेटिस्फाई से ही दे सकते हैं। आप फ्री हैंड या स्केल से आप नहीं बना सकेंगे उसे, उसको, इसलिए आप हमेशा सेटिस्फाई का यूज कीजिए और सेटिस्फाई की सहायता से शेडिंग को आराम से शो कर सकते हैं। अब देखिए ये 200 का कंट्रोल लाइन कहाँ का है, ये देखिए बीच में 200 का कंट्रोल लाइन है, यहाँ 200 का कंट्रोल लाइन है और यहाँ 200 का कंट्रोल लाइन है। 200 का शेडिंग कैसा है, थोड़ा तिरछा है, देखिए ये 200 है इस तरह, थोड़ा इससे घना शेडिंग है 200 का। जहां जहां है आपको आराम से, तो फ्री हैंड ये सब काम नहीं करना है, बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको सेटिस्फाइड के सहायता से करना होगा। दूसरा देखिए फिर 300 का कंट्रोल लाइन, 300 कंट्रोल लाइन देखिए कहां कहां से गुजरा है, 300 कंट्रोल लाइन देखिए, ये वाला 300 कंट्रोल लाइन है, ये वाला देखिए 300 है, 300 का सेटिंग आप कर दीजिए, 300 का सेटिंग आपका इसमें है 300। लास्ट का आपका देखिए ये 300 एवं 300 है, इसका पूरा घना सेटिंग है, आपको इसको घना सेटिंग को कर देना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा,
मैं इस सप्ताह सोची थी मैं कि ये स्लोक एनालिसिस इसमें मैं डालूंगी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं डाल सकी। आप जब इसे बनाएंगे, जब एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा बनेगा, और जब ये बनेगा तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, और ये इस तरह लगेगा। आप नज़दीक से देखिए, ये इस तरह लगेगा देखने में, बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। आप इसे आप देखिए, इसे आप ध्यान से देखिए। ये मेरा स्टूडेंट लाइफ का बनाया हुआ फाइल है, जिस समय मैं स्टडी कर रही थी। और अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो आप नीलम स्टडी सेंटर से जुड़े रहें, और अपने जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि मैं इसे और आसान तरीके से बताने का कोशिश करूंगी। धन्यवाद।